जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर 2021 में मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, यानी कि इंटर में या मैट्रिक का जो भी स्टूडेंट 2021 में पास कर चुके हैं मैट्रिक और इंटर को, तो उन सभी का स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, जो कि ऑनलाइन अभी सभी का हो रहा है। ऑनलाइन होने के बाद यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ में यहाँ पर पासवर्ड में अभी प्रॉब्लम आ रहा है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मैं आपको इसमें सारा जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आना, ekalyan.bih.nic.in। इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ई कल्याण, इस पर से क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप इस वाले होम पेज पर आप चले आओगे, जो यहाँ पर ई कल्याण का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप चले आएंगे। इस पर आने के बाद आपको क्या करना, क्या थ्री डॉट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप सेट कर लीजिएगा ताकि आपको स्क्रीन अच्छी तरह से दिख पाए। तो चलिए मैं यहाँ पर मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, जो भी आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको 10 और यहाँ पर 10+2 दिया गया है। तो चलिए मैं मैट्रिक वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर ओपन होने के लिए यहाँ पर लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यहाँ पर लिंक 1, 2, 3 दिया गया है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप इस तरह से पूरी तरह से पेज यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 19-20 के लिए यहाँ पर आवेदन के लिए दिया गया था, मैं यहाँ पर 21 वाले में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं 10 वाले में पहले लॉगिन करके शो करता हूँ कि 10 वाले में कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th प्रोत्साहन राशि, इस पर क्लिक करना है। 2021 वाला वेबसाइट है यहाँ, और आपको पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कि आपको क्या क्या पोर्टल पर होना चाहिए और क्या क्या आपके लिए होना चाहिए। तो यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको नोटिफिकेशन के अनुसार कि आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखा गया न्यू, एक लिखा गया यहाँ पर पोर्टल पर लिखा गया शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने के तत्पश्चात आपको आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यानी कि जो भी अभी तक आपने अप्लाई किया है, रिजेक्ट हुआ है या जो भी हुआ है, तो आप सभी घबराइए नहीं, सभी का यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए आपको अभी वेट करना होगा। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट आपको शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा, तब तक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं प्राप्त हो पाएगा। और जिसका यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो चुका है वो अपना लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कर लेंगे, और जिसका रिजेक्ट हो गया अभी वेट करेंगे, और जिनका अभी आईडी पासवर्ड नहीं होगा सभी अभी वेट करेंगे जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक और नहीं आ जाता है। उसके लिए आप सभी को वेट करना होगा। तो और भी अगर कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा। तो चलिए आपको एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, जब तक इसका यूजर आईडी पासवर्ड के लिए एक नया विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा, तो उसके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, आपको सारा प्रोसेस करके दिखा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।